हेलो एवरीवन, जीपीसी सीकर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप यानी कि सीआरओ के बारे में पढ़ेंगे। तो सीआरओ क्या होता है, यदि इसकी डेफिनेशन हम देखें तो सीआरओ एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजरमेंट के काम में लेते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल ब्रांचेज में डिफरेंट टाइप के जो क्वांटिटीज हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, उन सब क्वांटिटी का यदि मेजरमेंट करना हो, उनकी वेव फॉर्म्स का स्टडी करना हो और इनके अलावा भी कोई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक फेनोमेना हो जिसको हमें एनालाइज करना हो, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम काम में लेते हैं उसे सीआरओ कहते हैं। तो सीआरओ इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड for measurement and analysis of waveforms and other electronic and electrical phenomena. Okay? तो basically जो CRO है वो एक XY plotter होता है जो कि वो जिसका response जो है वो बहुत ही fast होता है। तो जो एक्स वाई प्लॉटर में एक क्वांटिटी एक्स एक्स के सापेक्ष और दूसरी क्वांटिटी वाई एक्स के सापेक्ष, तो इनपुट सिग्नल वर्सेस अनदर सिग्नल या फिर एनी इनपुट सिग्नल वर्सेस टाइम का जो ग्राफ प्लॉट करता है वो एक्स वाई प्लॉटर कहलाता है। और सीआरओ का बेसिकली यही काम होता है कि किसी भी इनपुट सिग्नल को वर्सेस अनदर सिग्नल या फिर वर्सेस टाइम प्लॉट करना। ओके, तो सीआरओ का जो यूज हम करते हैं जैसा कि डेफिनेशन में भी हम बता चुके हैं, तो वही इसका बेसिक यूज है कि वेवफॉर्म्स जो हैं उनको एनालिसिस करना हो या फिर जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट्स हैं उनमें जो ट्रांजिएंट जो फेनोमेना है या जो टाइम के साथ चेंजेस होने वाली जो क्वांटिटीज हैं उनको एनालाइज करना है फॉर ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू द रेडियो फ्रीक्वेंसीज। तो इस तरह की जो एप्लीकेशन है वहाँ पे हम सीआरओ काम में लेते हैं। और सीआरओ बेसिकली ऑपरेट जो हम करते हैं ये बेसिकली वोल्टेज ऑपरेटेड होता है, तो इसलिए कोई भी फिजिकल या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो जैसे करंट हो, स्ट्रेन, एक्सेलरेशन, प्रेशर एट्सेट्रा, इनको पहले हम वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उनको हम सीआरओ को पर अप्लाई करके उनको एनालाइज करेंगे। तो ये जो सिग्नल का जो कन्वर्जन है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर, क्योंकि ट्रांसड्यूसर जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ट्रांसड्यूसर डिवाइस होता है उसका यही काम होता है सिग्नल का जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन। ओके, सिग्नल मीन्स एनर्जी, सो टू कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। ओके, तो सीआरओ की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या होती है, बेसिक इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो क्या होता है और कंस्ट्रक्शन में जो मेनली कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन सभी पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो मेनली जो सीआरओ के जो पार्ट हैं
उनको हम पांच भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैथोड रे ट्यूब, जिसे हम CRT कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गन असेंबली, डिफ्लेक्टिंग प्लेट, फ्लोरेसेंट स्क्रीन फॉर CRT एंड ग्लास एनवेलोप। तो ये पांच मेन भागों में CRO के कंस्ट्रक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम सभी पार्ट्स को यहाँ पे देखते हैं और किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ये एक तरह से वर्किंग भी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, तो ये CRO का मेन पार्ट होता है, या हम कहें कि CRO का जो हार्ट है वो CRT होता है। तो CRT में बेसिकली क्या होता है, ये एक वैक्यूम ट्यूब होती है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। मतलब जो भी सिग्नल है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, उसको विजुअलाइज करते हैं, उसको हम देख सकते हैं, उसका इमेज बनाता है। तो विजिबल सिग्नल अपन यहाँ पे कहें, तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द CRT। और जो CRT में जो मेन पार्ट हैं, तो उनकी यदि बात करें तो उनमें इलेक्ट्रॉन गन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन प्लेट्स। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम देख सकते हैं, ये CRT का डायग्राम है। तो ये जो यहाँ से लेके ये पार्ट है, इसको हम इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। और इसके बाद जो ये प्लेट्स हैं, दीज आर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड दीज टू आर द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। तो इनको एक साथ हम कहें डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड द इलेक्ट्रॉन गन। तो ये दो मेन पार्ट हो गए CRT के। ओके, तो डिफ्लेक्शन जो प्लेट्स हैं उनको भी हम दो भागों में बांटते हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये CRT के डायग्राम में, ये जो हैं ये CRT की पिन होती हैं, कनेक्टिंग पिन टू सप्लाई। ये बेस है CRT का, और ये जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ, दिस इज हीटर, मतलब टेम्परेचर राइज करने का टेम्परेचर एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट। और ये जो यहाँ पे दिखाया गया है, इसको बोलते हैं कैथोड। तो हीटर का बेसिकली यहाँ पे कैथोड को का टेम्परेचर राइज करने का काम है। फिर ये यहाँ पर जो ब्लॉक है, इसको बोला गया है ग्रिड, या कंट्रोल ग्रिड भी हम इसे बोलते हैं। इसके बाद जो ये असेंबली है, इसे हम कहते हैं प्री एसेलरेटिंग एनोड। एंड आफ्टर दैट जो असेंबली है, उसे हम फोकसिंग एनोड या पोजिशनिंग एनोड भी आप कह सकते हैं। तो जो सिग्नल है या जो इलेक्ट्रॉन का जो ये बीम यहाँ पे दिखा रखा है एरो के साथ में, इसको फोकस करने के लिए ये फोकसिंग एनोड हम काम में लेते हैं। उसके बाद में ये एसेलरेटिंग एनोड अगेन, एंड आफ्टर दैट दिस इज द कॉल्ड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, एंड आफ्टर दैट दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, एंड दिस बीम इज पोजिशन ऑन दिस स्क्रीन, एंड दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरस स्क्रीन। और ये जो कैनोनिकल टाइप की या कोन के आकार का जो यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है, इसकी अंदर की जो सरफेस है, इस पे कोटिंग होती है, इसको बोलते हैं एक्वाडेव कोटिंग। तो इन सभी पार्ट्स के बारे में हम वन बाय वन आगे देखेंगे। तो ठीक है, तो CRT बेसिकली क्या करता है, ये
सीआरटी में जो दो मेन पार्ट हमने बताए, इलेक्ट्रॉन गन एंड डिफ्लेक्शन प्लेट्स, तो इलेक्ट्रॉन गन के भी असेंबली में भी काफ़ी पार्ट हैं। तो बेसिकली वहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन गन क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बीम कहें उसे, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हैं और एक बीम के रूप में वो वहाँ से डिफ्लेक्ट होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटिंग एनोड्स तो बीम इज एक्सेलरेट्स एट वेरी हाई वेलोसिटी एंड डिफ्लेक्ट विद द हेल्प ऑफ डिफ्लेक्टिंग एनोड्स एंड आफ्टर दैट पोजिशन ऑन द स्क्रीन टू क्रिएट ए इमेज। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द सीआरटी। तो क्या होगा सीआरटी का मेन काम, कि इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करना, उसे एक्सेलरेट करना, डिफ्लेक्ट करना और फोकस या पोजिशनिंग उसकी करना स्क्रीन पर, फॉस्फोरस स्क्रीन पर, ताकि वो विजिबल हो, उसकी इमेज क्रिएट हो जाए। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ सीआरटी। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन विच इज इलेक्ट्रॉनिक गन असेंबली। तो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे सीआरटी, सीआरटी के दो पार्ट हमने बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो गन है वो और डिफ्लेक्टिंग जो प्लेट्स हैं। तो इसी में जो पहली पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक गन असेंबली, इसी को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गन का अभी हम जैसा कि बता चुके हैं कि मेन क्या फंक्शन है इलेक्ट्रॉन गन का, विद द हेल्प ऑफ हीटर एंड एनोड इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट्स होते हैं और बीम के रूप में वो वहाँ से कंट्रोल ग्रिड की सहायता से निकलते हैं। और इस असेंबली में हीटर कैथोड के अलावा कंट्रोल ग्रिड है, और प्री एक्सेलरेटिंग एनोड होती है, उसके बाद फोकसिंग एनोड होती है एंड देन एक्सेलरेटिंग एनोड होती है। ओके, तो ये जो मेन पार्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक गन असेंबली में, इनमें जो कैथोड है उस पर एक लेयर होती है बेरियम और स्ट्रॉन्शियम की। तो ये लेयर हम क्यों करते हैं कैथोड पर, ताकि जो इमिशन है इलेक्ट्रॉन का वो ज़्यादा हो सके एट लो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हमें हीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ाना पड़े और इलेक्ट्रॉन का इमिशन भी सफिशियंट मात्रा में हो जाए। तो उसके लिए हम कैथोड पर क्या करते हैं, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं। उसके बाद में जो ग्रिड होता है कंट्रोल ग्रिड, वो क्या होता है बेसिकली, वो एक निकल सिलेंडर समझ लीजिए, और जिसका कि जो अक्ष है वो कोएक्सियल होता है विद द सीआरटी एक्सेस, मतलब सीआरटी का जो एक्सेस है और कंट्रोल ग्रिड का जो एक्सेस है वो सेम ही होते हैं, इसलिए इन दोनों अक्षस को हम कह सकते हैं कि को अक्षिल द निकल सिलेंडर विथ ए सेंट्रली लोकेटेड को अक्षल विद द सीआरटी एक्सेस। तो बेसिक जो फंक्शन है कंट्रोल ग्रिड का वो क्या होता है, कि ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं कैथोड से उनकी इंटेंसिटी को ये कंट्रोल करता है। ओके, तो किस इंटेंसिटी पे इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बीम के रूप में निकालना है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल ग्रिड। तो ये एक बेसिकली निकल सिलेंडर है एंड दिस इज सेंट्रली लोकेटेड कोएक्सियल विद द सीआरटी एक्सिस। इसके बाद हम यहाँ पे प्री एक्सेलरेटिंग एनोड और उसके बाद में फॉक्सिंग एनोड एंड देन अगेन एक्सेलरेटिंग एनोड। तो जो प्री एक्सेलरेटिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड्स हैं, इनको हम
हाई पोटेंशियल पर रखते हैं, और ये जो पोटेंशियल है पॉजिटिव पोटेंशियल वो 1500 वोल्ट तक 1500 वोल्ट तक हम इसको एनोड्स को रखते हैं, एक्सेलरेटिंग एनोड्स, ताकि जो बीम इलेक्ट्रॉन की कंट्रोल ग्रिड से आती है उसको हम एक्सेलरेट कर सकें, उसकी जो वेलोसिटी है उसको बढ़ा सकें। तो हाई वेलोसिटी की बीम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, जो एक्सेलरेटिंग एनोड्स हैं उनको हम हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पर अप टू द 1500 वोल्ट रखते हैं, ठीक है। एक्सेलरेटिंग एनोड के बाद में जो असेंबली है इलेक्ट्रॉन गन की वो होती है फोकसिंग एनोड। तो फोकसिंग या जो बीम की पोजिशनिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड है वो भी हम हाई पोटेंशियल पर रखते हैं, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड दैट इज अप टू 500 वोल्ट, ओके। और उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो डिफ्लेक्शन जो प्लेट्स हैं उनके थ्रू पास होता है। तो जो सीआरओ है फोकसिंग के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग को काम में लेते हैं सीआरओ के लिए, क्योंकि फोकसिंग की भी दो मेथड्स होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग। तो जो सीआरओ में हम फोकसिंग एनोड के लिए जो काम में लेते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, ओके। उसके बाद में हमारा जो कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग प्लेट। और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में हम देखें कि इलेक्ट्रॉन गन का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इमिट होना एंड देन कंट्रोल ग्रिड की सहायता से इंटेंसिटी कंट्रोल होना, फिर एक्सेलरेटिंग एंड देन फोकसिंग। तो ये सब जो काम है वो इलेक्ट्रॉन गन के होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली के। उसके बाद में डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आ जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन गन से निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन जो बीम है वो दो पेयर होते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के, उनमें से गुजरती है। तो जो पेयर प्लेट्स का जो पेयर वर्टिकल डिफ्लेक्शन करता है बीम का, वर्टिकल डिफ्लेक्शन का मतलब जो बीम है इलेक्ट्रॉन की वो मूव करेगी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन बीम का, इसके लिए हम जो प्लेट का जो पेयर काम में ले रहे हैं उनको हम कहते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, या फिर इनको हम वाई प्लेट्स भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें कि वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को हम वाई प्लेट्स भी कहते हैं, और इनके कारण जो इलेक्ट्रॉन की बीम है उनका मूवमेंट अपवर्ड होता है, या इसको वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी हम कहते हैं। तो इसके बाद में जो दूसरा पेयर होता है प्लेट्स का वो इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजेंटली डिफ्लेक्ट करता है। हॉरिजेंटली डिफ्लेक्ट का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो मूव करेगी एक साइड से दूसरी साइड की ओर, मतलब जैसे किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बीम मूव कर रही है तो वो किसी एक साइड में जाएगी, मान लीजिए लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होगी, मूव करेगी एंड देन राइट साइड। तो इसको हम कहेंगे कि बीम मूव्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर और लेफ्ट टू राइट। तो इसके लिए जो प्लेट्स के पेयर हम काम में ले रहे हैं उसको हम हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट या फिर एक्स प्लेट्स भी कहते हैं, ओके। और दोनों प्लेट्स का जो पेयर है उनके कारण जो इलेक्ट्रॉन बीम का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो एक दूसरे का इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं ये मोमेंट। इसलिए जो बीम है इलेक्ट्रॉन की
वो फास्फोरस स्क्रीन पर कहीं पर भी फोकस हो सकती है, कहीं पर भी पोजीशन उसकी हो सकती है। ओके तो जो डिफ्लेक्शन जो प्लेट्स हैं उनके बाद में जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर फोकस होती है। तो जो सीआरटी का जो फ्रंट पार्ट है उसे हम फेस प्लेट कहते हैं, और ये जो फेस प्लेट है वो फ्लैट होता है। कैसा होता है? फ्लैट। लेकिन जो स्क्रीन की साइज है फेस प्लेट को फ्लैट होने के लिए वो अबाउट 100 mm बाई 100 mm की होती है। इसलिए स्मॉल स्क्रीन साइज की यदि बात करें तो सीआरटी का जो स्क्रीन है, जो फेस प्लेट है, दैट इज बेसिकली फ्लैट, मतलब समतल होता है, फ्लैट होता है। लेकिन यदि डिस्प्ले लार्जर है, डिस्प्ले साइज स्क्रीन साइज बड़ी है, तो जो स्क्रीन है वो कर्व्ड होती है। तो जो फेस प्लेट हम बनाते हैं दैट इज फॉर्म्ड बाय प्रेसिंग द मोल्टन ग्लास इनटू ए माउल्ड एंड देन एनिलिंग इट। तो ये जो फ्रंट स्क्रीन है सीआरटी की, ये मोल्टन ग्लास को प्रेसिंग करके बनाते हैं। किस में प्रेस करते हैं? माउल्ड में, और उसके बाद में एनिलिंग करते हैं। जो अंदर की साइड है स्क्रीन की, इनसाइड सरफेस ऑफ द फेस प्लेट, वो फॉस्फर क्रिस्टल के द्वारा कोटेड होती है। मतलब उसके अंदर की तरफ फॉस्फर की कोटिंग, फॉस्फर क्रिस्टल की कोटिंग होती है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि फॉस्फर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? लाइट एनर्जी में। तो यही हम चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, सीआरटी बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में, विजिबल जो दिख सके, इमेज बनाने के सिग्नल सके, जिससे इमेज बन सके, वो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए हम फास्फोर कोटिंग करते हैं अंदर की तरफ। और ये इसी कारण क्या होता है कि जो बीम है इलेक्ट्रॉन की, वो जैसे ही फॉस्फर क्रिस्टल पर स्ट्राइक करती है तो ये एनर्जी का लेवल वहाँ पे बढ़ता है और लाइट का इमिशन होता है। लाइट इज इमिटेड ड्यूरिंग द फॉस्फर क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो दिस इज द फ्लोरोसेंट स्क्रीन फॉर सीआरटी। नेक्स्ट जो है वो है ग्लास एनवेलोप। तो जो ग्लास एनवेलोप है दैट इज हाईली इवेक्यूएटेड कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर। जो सीआरटी में हम लास्ट में जो देखते हैं, जिस कॉनिकल शेप का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लास एनवेलोप कहलाता है। और उसकी अंदर की जो सरफेस है बिटवीन द सीआरटी इनर सरफेस जो है बिटवीन द नेक एंड द स्क्रीन, जो सीआरटी की जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन और जो डिफ्लेक्टिंग जो प्लेट्स हैं उनके बीच का जो पार्ट है कॉनिकल स्ट्रक्चर का, उसकी अंदर की सरफेस वो क्या होती है? कोटेड होती है और विद द हेल्प ऑफ एक्वाडेग। तो ये एक्वाडेग जो है ये एक कंडक्टिंग मटेरियल है। ओके, जो कि क्या करता है, एज ए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। और जो ये कोटिंग जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो जाती है टू द एक्सेलरेटिंग एनोड, और ये इलेक्ट्रॉन जो बीम है उसको फोकस करने में सहायता करती है। तो इसलिए एक्वाडेग मटेरियल की कोटिंग करते हैं, कॉनिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें अंदर की तरफ क्यों करते हैं? यदि ये नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होगा फ्रॉम द एक्सेलरेटिंग एनोड, ये जो पार्ट है वो, और इलेक्ट्रॉनिक
जो बीम है वो उसकी पोजिशनिंग या उसकी फोकसिंग में दिक्कत होगी। तो विद द हेल्प ऑफ एक्वाडर्ड कंडक्टिंग मटेरियल वी कैन हेल्प द इलेक्ट्रॉन बीम टू बी फोकस। ओके, नाउ दिस इज होल अबाउट द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द CRO। और इस कंस्ट्रक्शन के पार्ट के साथ साथ हमने इन सभी पार्ट्स की वर्किंग भी देखी। तो ये बेसिकली वर्किंग भी यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि CRO किस तरह से काम करता है। लेकिन यहाँ पे हम CRT के डायग्राम जो पहले हम देख चुके हैं उसके अलावा यहाँ पे यदि ब्लॉक डायग्राम देखें CRO का, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये तो हम पहले देख चुके हैं, ये CRT है जो कि मेन पार्ट होता है CRO का। दिस इज द हार्ट ऑफ CRO। इसके अलावा यहाँ पे इनपुट सिग्नल हम देते हैं किसे, वर्टिकल एम्पलीफायर, एंड वर्टिकल एम्पलीफायर से सिग्नल डिले लाइन, एंड यहाँ से जो सिग्नल जाता है वो जा रहा है यहाँ इन दो प्लेट्स पर। और ये दो प्लेट्स कौन सी हैं, दीज आर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ओके, और वर्टिकल एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो हम ट्रिगर सर्किट में देते हैं जो कि किसको ट्रिगर करता है, टाइम बेस्ड जनरेटर को। और यहाँ से जो ये सिग्नल है वो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को देंगे, और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का जो सिग्नल है दैट इज गिवन टू दीज टू प्लेट्स, एंड दीज आर द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ओके, और यहाँ पे दो प्रकार की सप्लाई अपने पास है, हाई वोल्टेज HV सप्लाई, हाई वोल्टेज सप्लाई, एंड LV सप्लाई, लो वोल्टेज सप्लाई। तो हाई वोल्टेज सप्लाई तो हम देते हैं CRT को, और लो वोल्टेज सप्लाई बाकी जो भी सभी सर्किट्स हैं उनको हम लो वोल्टेज सप्लाई देते हैं, क्योंकि CRT में हम 500 वोल्ट फॉक्सिंग एनोड को और जो 1500 वोल्ट हम देते हैं तो इसको हम हाई वोल्टेज सप्लाई काम में लेंगे CRT के लिए, और लो वोल्टेज सप्लाई हम बाकी सभी सर्किट्स के लिए काम में लेते हैं। और बाकी सब चीज़ें ये CRT की हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन पार्ट, ये हीटर और कैथोड अरेंजमेंट है, कंट्रोल ग्रिड दिस इज वन, एंड दिस इज प्री एसेलरेटिंग एनोड, आफ्टर दैट दिस इज फोक्सिंग एनोड, एंड आफ्टर दैट एसेलरेटिंग एनोड। तो ये जो एसेलरेटिंग एनोड है और फोक्सिंग एनोड है इनको हम हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो CRT के लिए हाई वोल्टेज सप्लाई रखते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन पार्ट। आफ्टर दैट देर आर टू पेयर्स ऑफ प्लेट्स, वन पेयर दिस वन, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, एक पेयर ये होता है जो कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट कहलाता है। एंड आफ्टर दैट द बीम इज फोकस्ड हियर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ल्यूमिनस स्पॉट, और दिस इज द स्क्रीन। सो दिस इज द कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO। नाउ वर्किंग ऑफ CRO, तो जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट में कि हर पार्ट जो CRO का है वो किस तरह से वर्क करता है, तो दैट इज द वर्किंग ऑफ CRO। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द कंस्ट्रक्शन पार्ट, बट देर आर सम पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज, इफ कंट्रोल ग्रिड हैज हाई नेगेटिव पोटेंशियल देन इट अलाउज ओनली ए फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू इट, दस डिम स्पॉट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द लाइटनिंग स्क्रीन एंड वॉइस वर्सा। क्या मतलब है कि जो कंट्रोल ग्रिड है यदि उसको हम हाई नेगेटिव पोटेंशियल पर रखें तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की जो बीम जा रही है उनकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन वहां से पास होंगे, और इस तरह से स्क्रीन पर एक बहुत ही डिम स्पॉट दिखेगा। लेकिन यदि हम इसका उल्टा करें कि यदि जो पोटेंशियल है वो हाई नेगेटिव पोटेंशियल नहीं होके वेरी लो नेगेटिव पोटेंशियल रखें तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से पास होंगे और ब्राइट स्पॉट हमें वहां पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कंट्रोल ग्रिड। जैसे कि हम अभी इसी ऊपर वाले पॉइंट में बता चुके हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो स्पॉट वहाँ पे है स्क्रीन पर शो होगा उस, तो वहाँ जो लाइट की इंटेंसिटी है वो किस पे निर्भर करेगी, द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कंट्रोल ग्रिड।
तो नेगेटिव पोटेंशियल जो ग्रिड का है वो हम बहुत कम रखेंगे, इसलिए इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और यदि नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा है तो लाइट की इंटेंसिटी कम होगी. ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हेन द डिफ्लेक्टिंग प्लेट इज एट जीरो पोटेंशियल द बीम प्रोड्यूसेस ए स्पॉट एट द सेंटर. जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं उनको यदि हम जीरो पोटेंशियल पर रखें, मतलब उनको कोई पॉजिटिव पोटेंशियल हम उनको नहीं दें, सप्लाई इज जीरो, तो क्या होगा, जो बीम है वो सेंटर पे एक स्पॉट प्रोड्यूस करेगी, स्क्रीन के सेंटर पर. ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड टू द वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट द इलेक्ट्रॉन बीम फोकसेस एट द अपवर्ड एंड इफ द वोल्टेज इज अप्लाइड हॉरिजेंटली द स्पॉट ऑफ लाइट विल बी डिफ्लेक्टेड हॉरिजेंटली. तो इसका मतलब ये है कि यदि हम जो पोटेंशियल है वो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट को देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कहाँ फोकस होगी, अपवर्ड. ओके, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. और यदि वोल्टेज हम हॉरिजेंटली जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं उनको देंगे तो जो लाइट का स्पॉट है वो हॉरिजेंटली डिफ्लेक्ट होगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सीआरओ. ओके, थैंक यू.